ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ श्रीगोर्भ्यो नमः ॐ श्रीविषभ्यो नमः ॐ सहनावभतो सहनौ भो सह वीर करवाबहै तेजस्वेनावधीतमस्तु मावि वेशावहै ॐ शांति 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 सर्व्यो नमः देवी संस्कृत यूट्यूब चलदृश्यम प्रति हादत मित्रों प्रारंभिकचना कौमुदी न्यू कोर्स कक्षा संख्या एकष्टुत्तर शततमी को आज पढ़ेंगे एक सौ इकसठवी कक्षा को पढ़ेंगे आज से हमने जैसा कि गत कक्षा में बताया था कि अब इस पुस्तक के आकू आधार बनाकर के बनाए जा रहे इस कोर्स का ये अंतिम चरण है ये अंतिम प्रकरण है जो आज से हम आरंभ कर रहे है। वो है समास प्रकरण ठीक है कल मैंने आपको बता दिया था कि आज की कक्षा को पढ़ने के लिए आपको कॉपी रखनी होगी जो पहले से आपने बनाई हुई है नोटबुक और एक पेन रखना होगा अब इस पुस्तक में से नहीं पढ़ाया जाएगा पुस्तक से एक्स्ट्रा में पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा ठीक है चलिएगा बिना किसी चर्चा के बिना किसी विलंब के कक्षा का आरंभ कर देते हैं पेन हाथ में ले लीजिएगा नोटबुक को खोल लीजिए ठीक है चलिए नए पाठक जो भी जानकारी कुछ चाहते हैं इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करें चलिए लिखिएगा समास नाम का जो प्रकरण है ये संस्कृत भाषा की एक बहुत बड़ी चाबी है जिसके पास में ये समास नाम की चाबी नहीं होती है वो संस्कृत भाषा का ठीक ठीक अर्थ नहीं कर सकते इस प्रारंभिक शिक्षण के कोर्स में हम सभी विस्तार से समास को नहीं पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा आपको परिचय कराएंगे समास आदि का परिचय कराएंगे थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे ठीक है ये ध्यान रखेंगे इस प्रकरण को पढ़ने के बाद आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने पूरा समास पढ़ लिया नहीं पूरा समास आपको व्याकरण की कक्षा में पढ़ाया जाता चलिएगा समास हाँ। अब ये समास क्या है इसकी परिभाषा लिखिएगा परिभाषा लिखिए दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने को समास कहते हैं विराम समास का अर्थ है संक्षेप विराम समाज करने पर समास किए हुए शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है काम अर्थात हट जाती है विराम समाचुक्त अनेक शब्द एक शब्द बन जाता है तथा अंत में एक विभक्ति प्रयोग की जाती है विराम जैसे राजा राज्य पोरो शाह विराम बहुत सरल परिभाषा मैंने आपके लिए लिख दी है ठीक है उसी को लिखा दिया है अब इसको समझ लीजिएगा कोई पूछता है कि समास क्या है जब कोई नया व्यक्ति होता है जिसको समास के बारे में पता ही नहीं है पता ही नहीं होता एक समय था हमको भी कुछ नहीं था ये समास होता क्या है आप सभी पाठक भी प्राय करके अनभिज्ञ होंगे कि समास क्या होता है कुछ पाठक जानते भी होंगे ऐसी बात नहीं परंतु जो पूर्णतः अनभिज्ञ हैं, उनके लिए समाज कहने पर समाज का क्या अर्थ होता है तो हमारे आचार्य लोगों ने समास की परिभाषा बनाई डेफिनेशन बनाई क्या बताई कि समाज हम किसी को कैसे समझाएं? तो कहते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने को समास कहते हैं क्या होता हर भाषा में जब हम भाषा प्रयोग करते हैं लेखन की अथवा संभाषण की तो कई कई बार क्या होता है हम कई कई शब्दों को इकट्ठा मिला करके बोलते हैं हिंदी में भी बोलते हैं है? जैसे हिंदी में बोलते हैं राम राज्य क्या राम राज्य बोलते हैं बताइएगा राम राज्य में कितने शब्द हैं आपको कोई पूछे कि राम राज्य राम राज्य में कितने शब्द हैं आप बता देंगे जी इसके अंदर दो शब्द हैं। एक तो राम जी का नाम है और एक राज्य है।, है राम राज्य तो ये हिंदी में ऐसा ये संस्कृत से आया है ठीक है ऐसे इंग्लिश में भी होता है प्राय कर, करके पर संस्कृत भाषा में इसका अधिक प्रयोग होता है तो क्या कह रहे हैं कि समास की परिभाषा बता रहे हैं दो शब्द कम से कम दो शब्द भाई जोड़ने के लिए कम से कम तो दो इकाई चाहिए एक क्या जुड़ेगी एक तो पहले से अपने आप में एक है ठीक <laughs> है तो जोड़ने के लिए दो या दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस कितने भी हो सकते हैं ठीक है तो दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम जोड़ करके प्रयोग करते हैं मिला करके प्रयोग करते हैं अलग अलग प्रयोग नहीं करते जैसे राम राज्य हो गया इसको अलग अलग भी करते हैं राम का राज्य ऐसा भी कह सकते हैं राम राज्य भी कह सकते हैं तो जोड़ने को ही समास कहते हैं जब जोड़ करके मिला करके प्रयोग करते हैं हम तो कहते हैं समास कर दिया हमने क्या कर दिया समाज समाज का अर्थ क्या हुआ तो कहते हैं समास का अर्थ है संक्षेप हम कहेंगे राम का राज्य और हम कहें राम राज्य दोनों का अर्थ तो एक ही है दोनों का अर्थ तो एक ही है परंतु राम का राज्य इसमें का एक्स्ट्रा आ रहा है और जब मिलाकर के बोल दिया तो का हट गया संक्षेप हो गया तो यही समास का कोई पूछे अर्थ तो ये भी कह सकते समास का अर्थ होता है संक्षेप कम कह रहे संस्कृत भाषा में क्या हुआ होता है समास करते करने पर माने जब स, स, शब्दों को हम मिला देते हैं जोड़ देते हैं आपस में तो क्या है? समास करने पर समास किए हुए शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है अर्थात हट जाती है जैसे मानिएगा हमने दो शब्दों का समास किया संस्कृत में तो प्रत्येक शब्द से विभक्ति आती है तो जब क्या हुआ हमने उसको जोड़ दिया तो जो क्या होगा जो पहला वाला जो शब्द है उसकी विभक्ति हट जाएगी उसकी विभक्ति हट जाए मूल मूल शब्द रह जाएगा ठीक है एक तो समाज करने पर यह ध्यान रखना होता है अभी आपको दिखाएंगे नीचे युक्त तो अनेक शब्द एक शब्द बन जाता है ध्यान देंगे क्या होता है जैसे राम का राज्य और इसको मिला दिया राम राज्य तो एक शब्द बन गया अब ये राम राज्य अब क्या बन गया एक शब्द पहले दो थे ये तो समाज करने पर पूरा मिले हुए शब्दों का जो समूह होता है ग्रुप होता है वो एक शब्द के रूप में कहा जाता है भाई एक शब्द है ये और क्या होता है पूरे सब कई शब्दों से जब मिलकर एक शब्द बन जाता है तो फिर एक ही विभक्ति होती है भिन्न भिन्न भिन विभक्तियां नहीं होती सभी शब्दों से अंत में एक विभक्ति आ जाती है कोई भी विभक्ति आ सकती है प्रथमा आ सक्ति द्वितीय है, है तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और कोई भी वचन आ सकता है एक ठीक है एक वचन या दिवचन है बहुवचन कुछ भी आ सकता है यहां पर ठीक है अब देखिएगा यहां पर उदाहरण दिखाया आपको ये जैसे फॉर एग्जाम्पल राज पुरुष ये क्या अलग, अलग अलग शब्द है ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है और ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है ठीक राज्य इसका अर्थ क्या राजा का पुरुष माने राजा का आदमी राजा का आदमी का मतलब राजा से जुड़ा हुआ कोई उसका व्यक्ति अधिकारी आदि या सैनिक आदि जो भी है अब देखिएगा ये अलग अलग शब्द हैं अब हमें इनका समाज करना है तो समाज करेंगे तो क्या बनेगा राज पुरुष क्या बना जी राज पुरुष राज का भी अर्थ क्या है वही राजा का आदमी राजा पुरुषा का क्या अर्थ है राजा का आदमी पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर अधिक वर्ण है और यहां पर कम वर्ण है देख लीजिएगा आप तो गिन लीजिएगा मुझे गिनने की आवश्यकता नहीं आप अपने आप गिन लीजिएगा यहां पर दो विभक्तियां दिख रही हैं षठी विभक्ति और ये प्रथमा विभक्ति और जब समास कर दिया तो क्या है षठी विभक्ति हट गई हट गई मूल शब्द राजन था तो राजन का राज और पुरुषा एक विभक्ति रह गई केवल प्रथमा विभक्ति कम हो गई समाज करने पर तो ये क्या हो गई सरलता हो गई कम शक्ति से ही हम समाज करके उसी बात को कह सकते हैं जो अनेक शब्दों को अलग अलग तोड़ तोड़ करके बोलने पर कही जाती है ठीक है तो रा, ये उदाहरण दिखा दिया प्रकार से बहुत सारे उदाहरणों को आप देखेंगे आगे की कक्षाओं में तो राज पुरुष राज राजा का आदमी दोनों का आप ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है थीके? कुछ जगह ऐसा होता है कि वहां पर समास करके ही प्रयोग करना होता बिना समास के नहीं होता है वो बता देंगे आपको आगे ठीक है तो ये तो आपको समाज की परिभाषा अपनी बुद्धि में अच्छी प्रकार से स्थापित कर लेनी है सरल परिभाषा लिखाई है मैंने कोई रटने की आवश्यकता नहीं है केवल थोड़े से मेरे शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनने की आवश्यकता है ठीक है चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं ठीक है दूसरा पॉइंट लिखिएगा ऐसा डैश लगाया पर ए लगा करके समाज को तोड़ने को विग्रह कहते हैं इन्वर्टेड कर लीजिएगा विग्रह को समाज को तोड़ने को विग्रह कहते हैं विराम अब देखिएगा कहीं पर संस्कृत की कोई पुस्तक है ग्रंथ है वहां पर लेखक ने क्या समाज करके शब्द को पढ़ा अब हम किसी को उसे पढ़ा रहे हैं तो सामने वाले को हमको ये बताना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर ये शब्द हैं तो शब्दों को अलग करके किसी को समझाना उसको क्या कहते हैं विग्रह या या। संस्कृत के पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में आचार्य और शिष्यगण आपस में क्या व्यवहार करते हैं ये विग्रह समाज को तोड़ करके समझाना समाने कई शब्दों के समूह को भिन्न अलग अलग करके समझाना जैसे राजपुरुषा है इसको हम समझाएंगे भाई इसको इसके अंदर दो शब्द हैं एक शब्द में षष्ठी है एक शब्द में प्रथमा है उसको मिला करके बनाए तो जो तोड़ करके दिखा रहे राज जहाँ पुरुषा वो क्या हो जाए विग्रह बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं विग्रह जैसे राज्य पुरुष ये विग्रह हो गया इसका किसका राज पुरुष ये समास है समस्त पद है ये तो इसका कोई कहे इसका विग्रह क्या बनेगा तो इसका विग्रह इस शब्द जैसा शब्द पहले था अलग अलग वैसा ही दिखाना क्या कहलाता है बोलो विग्रह ठीक है ये ध्यान रखेंगे अब देखिएगा जब समाज कर दिया तो क्या हुआ यहाँ समाज में षष्ठी विभक्ति हटा दी गई है यहां विग्रह में तो षष्ठी विभक्ति थी परंतु समाज होने पर क्या कर दिया षष्ठी विभक्ति कहा से कहा जाओ भाई अपने घर पे अब तुम्हारा हो गया काम तो राजपुरुषा ये बन गया अर्थ दोनों का बिल्कुल ही समान है कोई भी अंतर नहीं है चलिए ये हो गया अब समास के भेद समाज कितने होते हैं ये हमको देखना है पहले ठीक है चलिएगा लिखिएगा ये तो लिखने की आवश्यकता आपने लिख लिया लिख लिया होगा कोई दिक्कत नहीं अब आगे लिखिएगा पॉइंट डेस्ट लगाइएगा समाज के मुख्य पांच भेद होते हैं पांच लिख लीजिएगा हिंदी में ऐसे। नंबर एक केवल समासाह नंबर दो अव्ययी भाव नंबर तीन तत्षा नंबर चार बाहुवी नंबर पांच द्वंद्वा ठीक है तो ये पांच भेद हैं मोटे मोटे अभी प्रारंभिक अवस्था में ऐसे ही पढ़ना है आपको बस पांच भेद ठीक है केवल समाचार अव्ययी भावहा तत्पुरुष बहुब्रीही ये पांच प्रकार का समास संस्कृत भाषा में है ठीक है एक एक को अब हम क्रमशः पढ़ेंगे क्रमशः एक एक को पढ़ेंगे उसकी परिभाषा लिखेंगे केवल समास क्या होता है अव्य समास क्या होता है तत्पुरुष समास क्या होता है बहुब्री समास क्या होता है द्वंद्व समास क्या होता है पर आप सभी से मैं निवेदन कर देना चाहता हूं ये समाज का प्रकरण मैं पढ़ाऊंगा आपको आपको यदि ये तीस प्रतिशत भी समझ में आ जाना आ जाता है तीस प्रतिशत प्रतिशत तो आपका पढ़ना सार्थक है मेरा पढ़ाना सार्थक है तीस प्रतिशत सौ परसेंट आपको नहीं आ सकता अभी धीरे 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 आता है ये समाज का प्रकरण ही ऐसा है धीरे धीरे आएगा आपको हम धीरे धीरे आपको पूरा सौ प्रतिशत करा देंगे परंतु अभी इस सीरीज में आप यदि तीस प्रतिशत समझ रहे हैं जो मैं बता रहा हूं तो आप ऐसा विचार मन में स्थापित कर लीजिएगा कि आने वाले कल में आपको ये सौ प्रतिशत समझ में आ जाएगा डरना नहीं है भागना नहीं है निराश नहीं होना है ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ठीक है नहीं तो आप कहें जी अरे जी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हाँ ऐसा ही होता है हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ परंतु अब तो समझ में आ गया हमको पूरा अब मैं आपको समझा रहा हूं और आपको ये बात भी बता रहा हूं कि आरंभ में ऐसा ही होता है ऐसा लगता है कि क्या नया आसमान से कुछ आ गया ठीक है डरने की आवश्यकता नहीं है निरंतर लगे रहना है आपको बस जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको पढ़ने में क्या परेशानी है ठीक है लगे रहना है मैं इस बात का आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपको यह सौ प्रतिशत समझ में आएगा पूरा सौ प्रतिशत बाद में अभी नहीं तो आइए यहां ये यह और लिखिएगा पॉइंट ठीक है आगे यहां पर इस प्रकार से करके तत्पुरुष के ही दो भेद और होते हैं लिखिए नंबर एक कर्मधारया नंबर दो जो वहां पर हमने लिखाया था आपको तीसरा तत्पुरुष समाज उस तत्पुरुष के भी दो भेद होते हैं जो मैंने आपको यहां लिखा रहा हूं ठीक है अभी केवल नाम नाम मात्र लिखते जाइए और फिर आगे लिखिएगा द्वंद के दो भेद होते हैं जो द्वंद्व समास अंत में बताया था उसके भी दो भेद होते हैं लिखिएगा द्वंद्व के दो भेद होते हैं नंबर एक इतरे योग द्वंद्वा नंबर दो समाहार द्वंद्वा ठीक है अब यहां पर एक विशेष पॉइंट लिख लीजिएगा कुछ और भी भेद होते हैं बस ऐसा मत समझ लीजिएगा इतने ही भेद हैं और भी भेद हैं परंतु उनको इस काम कोर्स में नहीं पढ़ेंगे ठीक है ये ध्यान रखेंगे इसमें नहीं पढ़ेंगे सेकंड लेवल का या थर्ड लेवल का जो कोर्स कोर्स होगा आपका उसमें सारा कुछ पढ़ाया जाएगा ठीक है चलिएगा ये हो गया तो चलिएगा आज की कक्षा में आपको मैं इतना ही कार्य देता हूं इतना ही आपको समझना है ठीक है फिर आगे परिभाषाएं लिखाऊंगा और उदाहरण बताऊंगा जो मैंने समास आपको बताए हैं ठीक है इतना थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा लिखना अवश्य है लिखना अवश्य है आपको तो उदाहरण भी लिखने होंगे ठीक है ये मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कहीं पुस्तक में मुझे नहीं मिल रहा था इस प्रकार से मैंने स्वयं अपने हाथ से लिखा है आपके लिए ठीक है चलिए तो आगे की कक्षा में मिलते हैं सर्वेभ्यो नमः